अफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या पेपर में आएगा अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का घूमना भी जी को चेंज कर देता है। अर्थ कितने ओमेगा से घूम रही है, जी चेंज हो जाएगा। अगर अपनी स्पीड बढ़ा देगी ना, जी चेंज हो जाएगा सबका, ठीक। और लैटिट्यूड और रोटेशन का क्या लेना देना है इसको अभी समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सीखते हैं कि लैटिट्यूड एंगल होता क्या है। लैटिट्यूड में यहाँ पर लैटिट्यूड एंगल है, लैटिट्यूड एंगल है। आप अपनी कॉपी ओपन कर सकते हैं, इसके लिए साथ साथ रफ ड्रॉ कर लेना। लैटिट्यूड एंगल है कि अगर मान लो ये आपके पास ये अर्थ है और अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। और ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर का प्लेन है, प्लेन समझते हो, इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटर का प्लेन है। अगर आप पी पॉइंट पे कहीं पर खड़े हुए हैं अर्थ की सरफेस पे, मान लो पी पॉइंट पे हैं, तो पी पॉइंट ने इसके अर्थ के सेंटर से इक्वेटर के साथ क्या एंगल बनाया, इसको लैटिट्यूड का एंगल बोलते हैं। तो पी पॉइंट ने इस प्लेन के साथ क्या एंगल बनाया, वो लैटिट्यूड एंगल है। तो लैम्डा यहां पर लैटिट्यूड का एंगल है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, बताओ पोल्स के ऊपर लैटिट्यूड क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, 90। पोल पे जाने के लिए पी पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, टोटल एंगल 90। इक्वेटर के ऊपर लैटिट्यूड क्या होगा, जीरो। इक्वेटर पे यहां पे खड़े हो जाओगे, लैटिट्यूड एंगल जीरो। तो इसका मतलब अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लैटिट्यूड एंगल डिफरेंट है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम देखो क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी इक्वेटर पे खड़ा हुआ है वो अर्थ के साथ रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के साथ इतने बड़े चक्कर में रोटेट कर रहा है, देख रहे हो। लेकिन जो पार्टिकल यहां पे है वो छोटे चक्कर में रोटेट कर रहा है, उसका चक्कर छोटा है, इक्वेटर का चक्कर बड़ा है। और ऊपर आ जाओ, इसका चक्कर और छोटा है, और पोल पे आ जाओ, वो तो खड़ा-खड़ा एक्सिस पे घूम रहा है। इसका मतलब जो इक्वेटर के पास ज्यादा है, ज्यादा करीब है, उसका घूमने का चक्कर उतना ही बड़ा है। कोई डाउट इसमें, हर कोई यानी कि सेम चक्कर में घूम ही नहीं रहा, मानते हो इस चीज को। अब आप कहोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ता है। अब इमेजिन करो कोई पी पार्टिकल इतने चक्कर में घूम रहा है, मैंने पूछा कितने रेडियस में घूम रहा है, तो किसने आंसर दिया कि सर देखो ये जो वैल्यू है ये आर है, तो रेडियस ऑब्वियसली कैपिटल आर है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, ये लैम्डा है, तो ये इतने रेडियस में घूम रहा है स्मॉल आर, स्मॉल आर। अगर ये लैम्डा है तो भाई ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल भी क्या है, लैम्डा, ठीक। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल लैम्डा है तो कॉस ऑफ लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो यहां पर क्या आएगा, आर कॉस लैम्डा, स्मॉल आर इज आर कॉस लैम्डा। तो आप एक चीज बताओ, अगर आप इक्वेटर के ऊपर हो तो लैम्डा क्या है, जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन, तो स्मॉल आर कैपिटल आर आ गया। अगर आप पोल्स के ऊपर हो लैम्डा क्या है, 90, कॉस 90 क्या है, जीरो, आंसर है जीरो, ठीक है। तो हर कोई अलग अलग चक्कर में काट रहा है, वो डिपेंड करता है कि क्या उसका लैम्डा है, वहां से स्मॉल आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब मान लो कोई पी पार्टिकल यहां पर पड़ा हुआ है, अब मुझे इस चीज का आंसर दो, पी पार्टिकल छोटे आर रेडियस में चक्कर काट रहा है, सही है। अर्थ क्या कर रही है, अर्थ इस छोटे मास को अपने सेंटर की तरफ, अर्थ का सेंटर ये रहा, क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है बाय अ फोर्स ऑफ mg, अर्थ तो खींच रही है। तो मान लो इस पॉइंट पर एक्चुअल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो इसका एक्चुअल वेट क्या है, mg, जो कहां कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg टुवर्ड्स सेंटर है, कोई डाउट। अब सोचो एक मिनट के लिए, अर्थ अगर हमें ना खींचती तो हमारा क्या होता, हम यहां बैठे हैं, बैठे होते कहां जाते, उड़ते हुए पता नहीं कहां उड़ जाते, क्यों, क्योंकि अर्थ घूम रही है, उसके पास क्या है, सेंट्रिपिटल, उसके ऊपर जो सामान है उसके ऊपर क्या लगेगी, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उड़ा के हमें बाहर फेंक देती, ऐसे ही है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां करेगी, अवे फ्रॉम
सेंटर। इस पार्टिकल का मास अगर m है और इसका रेडियस r है तो सेंट्रीफ्यूगल क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन हो गया ना। अब जिसका r बड़ा है, इक्वेटर वालों का बड़ा है, सेंट्रीफ्यूगल बड़ी हो जाएगी उसकी, जिसका r छोटा है सेंट्रीफ्यूगल छोटी। तो यानी कि हर किसी को सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सूडो फोर्स इक्वल नहीं मिल रही, स्मॉल r के ऊपर डिपेंड कर रहा है किसी को कैसे मिल रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने इस बंदे से पूछा, भाई तेरा वेट कितना है? वो कहता है प्रॉब्लम ये है कि वेट तो मेरा एक्चुअल में mg है, पर चक्कर ये है कि अर्थ की रोटेशन मेरे को सूडो फोर्स लगा रही है, तो मेरे को वेक्टर सम बताना पड़ेगा कि मेरा वेट, वो कहता है मेरा जो वेट है वो इसका और इसका यानी कि mg का और mr ओमेगा स्क्वायर का वेक्टर सम है, और वेक्टर सम से जो आंसर आया वो ये आ रहा है। ये मेरा नया वेट है, अपरेंट वेट है, नया वेट है। नया वेट मैंने पूछा कितना है, कहता है एम जी डैश। मैंने कहा एम को चेंज नहीं किया, कहता है एम तो कभी चेंज होता ही नहीं, तो फिर क्या चीज चेंज करनी पड़ी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन की वजह से और लोकेशन की वजह से। लोकेशन आर में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर रोटेशन अपना काम कर रहा है। लोकेशन की जगह लैटिट्यूड बोल दिया तो एक लैटिट्यूड वर्ड हो गया और एक अफेक्ट ऑफ रोटेशन हो गया। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये क्यों चीज चेंज हुई? तो मैंने पूछा कि अब तेरा वेट कितना है ये बता दे, नया वेट कितना है। वो कहता है रिजल्टेंट ऑफ क्या, एम जी, रिजल्टेंट ऑफ एम जी, एम जी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट फोर्स क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ। बोलो इनके बीच में एंगल क्या है, इन दो फोर्सेस के बीच में, इसमें और इसमें। अगर ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये लैम्डा है तो फिर बचा हुआ कितना है, 180 माइनस लैम्डा, तो 180 माइनस लैम्डा निकल के आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों चेंज हो रही है। तो इसको डायग्राम से ऐसे ड्रॉ किया गया, ये देखो, ये देखो। तो इसके अंदर चेक करो, इसके अंदर सबसे पहले ये रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस छोटा आर है, इसके ऊपर एम आर ओमेगा स्क्वायर है, एक्चुअल वेट स्मॉल एम जी है, ये एंगल लैम्डा, तो ये 180 माइनस लैम्डा है, नेट वेट एम जी डैश है विच इज रिजल्टेंट ऑफ एम जी एंड एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप चेक करो आपके पास क्या आएगा, नया वेट आएगा एम जी डैश इज रिजल्टेंट ऑफ एम जी स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस टू एम जी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? अब मैथ्स में कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। मेडिकल के लोग 180 क्वाड्रेंट्स किए थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा, याद है वेक्टर्स में किए थे क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस लैम्डा। इसका स्क्वेयरिंग करो, नेक्स्ट स्टेप देखो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा फोर, एज इट इज, एज इट इज। फिर ओपन करते हैं, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई करो, माइनस कॉस टू कॉस लैम्डा, एम इंटू एम एम स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई करके ऊपर सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई। अब इसमें से कॉमन निकाल रहे हैं एम स्क्वायर जी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अंडर रूट में से कॉमन निकलेगा, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, क्या बचेगा एम जी, तो ये एम जी, ये फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी वन, इसमें से एम स्क्वायर का अंडर रूट एम बाहर आ गया, जी स्क्वायर था ही नहीं तो जी स्क्वायर से क्या करना पड़ा डिवाइड, जी स्क्वायर नहीं था जबरदस्ती निकाल रहे हैं तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, इसके अंदर से एम स्क्वायर तो आ गया बाहर, जी स्क्वायर की जगह जी है तो एक जी से क्या करना पड़ा डिवाइड। तो क्या स्टेप क्लियर है, स्मॉल आर की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, आर कॉस लैम्डा पुट कर दें तो आर कॉस लैम्डा क्लियर, ठीक है। और फिर इसे स्क्वेयरिंग करते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा और आर कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर, ये टर्म भी क्लियर है। इन तीन टर्म में से, ये तीन टर्म में से अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो आर की वैल्यू बहुत बड़ी है 6400 किलोमीटर, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और अर्थ का एक चक्कर घूमना 24 आवर्स में होता है, 24 60 60 सेकंड्स में आ गया। अब ये डिवीजन में काफी बड़ी टर्म है, छोटी टर्म आएगी, और इसका रेज टू पावर 4 तो बहुत ही ज्यादा और छोटा आएगा। तो ओवरऑल अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहां पुट करें तो ये टर्म बहुत बहुत छोटी आएगी, 0.00000 की फॉर्म में।
इतनी छोटी कैलकुलेशन हम लेते नहीं, तो इन तीनों टर्म में से इसको निगलेक्ट कर देते हैं। आप कहोगे सर उसका क्या कसूर, उसको भी निगलेक्ट, तो यार क्या फिर घर चलते हैं, इसको निगलेक्ट, इसको निगलेक्ट, आंसर जी बच गया, तो लैटिट्यूड से आंसर चेंज ही नहीं हुआ, फिर मैं कर क्या रहा हूँ 10 मिनट से खड़ा। तो भाई इतना निगलेक्ट नहीं करना, इनमें से एक को निगलेक्ट कर दो जो थोड़ा ज्यादा छोटा है, निगलेक्टेड। तो क्या बचा, ये दो टर्म बच गई, ये दो टर्म बच गए, ठीक। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। बाइनोमियल लगा के ओपन कर रहे हैं एक्सपेंशन, हाफ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू और हाफ कैंसिल, तो ये टर्म आ गई। अब जी को यहां और यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी इंटू वन जी, जी से जी कैंसिल, ये टर्म आ गई। लिखो लैटिट्यूड का फॉर्मूला, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड का फॉर्मूला ये है, जी डैश इज जी माइनस, ये बाइनोमियल लगी ना, बाइनोमियल में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एरर्स में लगाई थी ना, बाइनोमियल का रिजल्ट ये था कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है तो अप्रोक्सीमेटली इसको 1 प्लस एन इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको ऐसे किया, ठीक। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लैटिट्यूड का, तो ये फॉर्मूले को नोट करो, ठीक। क्वेश्चन आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी, बहुत आता है, इक्वेटर पे लैम्डा क्या है, जीरो, तो जीरो पुट कर दें, कॉस जीरो क्या है, वन, आंसर, ये आंसर याद थोड़ा करना है, बस ये याद करना है लैम्डा जीरो करके आ जाएगा। पोल्स के ऊपर पूछेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लैटिट्यूड क्या है 90, कॉस 90 क्या है, जीरो, आंसर 9.8। तो एक पोल ऐसी जगह है जहां पर अफेक्ट ऑफ रोटेशन का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक्सिस पे कोई चीज घूम रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम पोल्स पे रहती है 9.8। क्लियर है यहां तक, तो ये याद रखना है आपने ये फॉर्मूला।